श्रवण कुमार की कथा। एक दिन श्रवण गयो संगत में, संगत सुन घर आयो रे। आला लीला बांस कटाया, कावड़ लीवी खड़ाए रे। श्रवण कुमार बांस से बनी हुई कावड़ में अपने माता पिता को बैठा कर तीर्थ कराने के लिए लेके रवाना होता है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे हरे भरे वृक्ष और कलरव करते हुए, चहचहाते हुए पंछी दिखाई देते हैं। बाण से घायल तड़फते श्रवण कुमार को देखकर दशरथ बोले, दशरथ की बोली सुनकर श्रवण के माता पिता सोचने लगे, यह।